हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल या स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं गणित वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु आप पढ़ रहे हैं अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग। इससे तीन तीन अंक वाले दो क्वेश्चन आने हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आप पढ़ चुके हैं, जो हमने 9 क्वेश्चन बताए थे भाग एक में। आगे आप पढ़ेंगे इसका भाग दो, उसमें जो है हमने आपको बता दिए थे 10 से लगा के 20 तक के क्वेश्चन बताए थे। उन्हीं क्वेश्चनों का आज हम हल करने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले 10वां क्वेश्चन देखते हैं। x बराबर 2 पे एक वक्र दिया गया है, उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखना, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बटे dx कहलाती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है वक्र, तो हमने लिखा यहाँ पे जो वक्र दिया गया है y बराबर x घन माइनस एक्स। अब देखिए, हम निकालेंगे इसका अवकलन निकालेंगे, तो इसका अवकलन जो निकल के आता है वही स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बटे dx, मतलब इसका अवकलन x घन का अवकलन करेंगे 3x वर्ग होगा, और फिर x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। देखिए, अब हमें x बराबर 2 पर निकालना है, तो हमने लिखा x बराबर 2 पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब dy बटे dx, और x बराबर 2 रख रहे हैं, तो यहाँ भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, या यहाँ अकेला लिखें। x बराबर 2 पर हम निकाल रहे हैं, तो 3x की जगह पे 2 रखेंगे, वर्ग माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 2 का वर्ग 4 आएगा, माइनस 1 होगा, तो 4 3 12 माइनस 1, मतलब कितना आंसर हो जाएगा, 11। यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला 11वां क्वेश्चन। एक वक्र हमें दिया गया है करणी के अंदर 4x-3-1 पर, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब dy/dx निकालना होगा। तो y बराबर करणी 4x-3 और फिर -1 दिया गया है। यदि आप अवकलन करते हैं तो देखिए अवकलन क्या होगा, यहाँ dy/dx होगा। अब देखिए, करणी का आपको पता होगा कि करणी x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 1/2 करणी x होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, तो करणी का अवकलन करेंगे तो 1/2 करणी हो जाएगा 4x-3। लेकिन आपको अवकलन पता होता है, यदि अंदर कोई संख्या होती है तो उसका रिपीट भी करते हैं, तो इसका 4x-3 का यदि आप रिपीट करते हैं तो 4x का हो जाएगा 4, और 3 का क्या होगा, 0, और 1 का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पे और आगे यदि आप सॉल्व करते हैं तो 2 1 2, 2 2 4, संख्या कट जाती है, मतलब 2/करणी में 4x-3 हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx का मान जो है अभी x के रूप में प्राप्त हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि बिंदुओं पर जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, 2/3 है, मतलब जे स्पर्श रेखा की जो प्रवणता आई है इस प्रवणता को हम 2/3 के बराबर रखेंगे। तो हमने लिखा, चूंकि प्रवणता, मतलब जो प्रवणता dy/dx कहलाती है, उसका मान 2/3 दिया गया है, तो dy/dx का जो हमने मान निकाला था 2/करणी में जो है 4x-3 = 2/3। अब देखिए यदि आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएंगे पक्षांतर करने पर, अब बाकी क्या बचा होगा, देखिए जो बाकी बचा होगा यहाँ पे वो 1 बचा होगा, यहाँ पे 1 बचा होगा, यदि आप त्रिया गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा करणी 4x-3 होगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, 3। यदि हम दोनों पक्ष का वर्ग कर लेते हैं तो करणी समाप्त हो जाएगी, यहाँ पे 4x-3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए 4x/3 उस तरफ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 12, और x/4 3 12, तो x का मान फिर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। और फिर देखिए, हमें बिंदु निकालना है, मतलब x y दोनों होने चाहिए, तो x/3 पर जो है हम y का मान निकालते हैं। तो y का मान कैसे मिलेगा, जो हमें सवाल में वक्र दिया गया है वहां पे जाके रखना होगा, तो 4x की जगह 3 -3, फिर -1 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 3 12 में से 3 घटाते हैं आप, तो कितने बचे, 9, -1, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो y का मान 2 आया है, और x का मान कितना आया था, 3 आया था, x का मान 3, y का मान 2 है, इस वजह से हमारा जो बिंदु हो जाएगा वो बिंदु 3 और 2 हो जाएगा। तो हमने लिखा था अभीष्ट बिंदु 3 2 होगा, यही हमारा अभीष्ट उत्तर है।
देखते हैं अगला सवाल है, प्रवणता दो वाली सभी स्पर्श रेखाओं के समीकरण हमें ज्ञात करने हैं और वक्र जो है इसको स्पर्श करती हैं, मतलब इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें वक्र का मान दिया गया है, तो हमने लिखा यहाँ जो वक्र है वो वाई बराबर बना लेते हैं, तो बराबर जब बनाएंगे तो इस संख्या को उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो -2/(x-3) हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने वक्र y बराबर -2/ जो है x-3 लिखा। अब यदि हम अवकलन करते हैं तो dy/dx का मान मिलेगा। अब देखिए -2 तो अचर पद है, -2 तो हमने जाकेता लिखा। अब देखिए अवकलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1/x का जो अवकलन होता है -1/x² होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/x-3 का जो अवकलन होगा माइनस चिन्ह 1/ जो है x-3 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो -1/x-3 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस आप प्लस बना सकते हैं, तो 2/(x-3) का वर्ग हो गया है इसका अवकलन, मतलब हम कह सकते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई 2/(x-3) का स्क्वायर। अब देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान हमें 2 दिया गया है, तो हमने लिखा चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब जो dy/dx होता है उसका मान 2 दिया गया है, तो हमने लिखा 2/(x-3) का स्क्वायर, मतलब dy/dx का मान रखा और बराबर 2 लिखा। 2/(2) कुछ नहीं है, 1 कर सकते हैं ना, 2 से 2 कट जाएंगे यहाँ पे, तो 1 और 1 आ जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो x-3 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप जो है यदि इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ x² और यहाँ 3x का दुगना करेंगे तो 6x, और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 आएगा। 1 को यदि इस तरह पक्षांतर कर लेते हैं बराबर 0, तो यहाँ पे x² - 6x और यहाँ पे बचे होंगे 8 बराबर 0। यदि आप गुणनखंड निकालते हैं तो देखिए गुणनखंड निकलेंगे यहाँ 8 के 4 × 8 गुणनखंड होते हैं, तो 4 और 2 में गुणनखंड निकले होंगे, तो x² - 2x - 4x में यदि आप गुणनखंड निकालते हैं +8 = 0, तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर मिलेगा हमें। x कॉमन लेंगे तो x-2 मिलेगा, 4 कॉमन लेंगे तो भी x-2 मिल जाएगा, मतलब एक गुणनखंड x-2 और एक गुणनखंड x-4 = 0 आया, मतलब x का मान जो है कितना आ जाएगा, यहाँ -2 है तो +2 आ जाएगा, तथा जो है x का मान यहाँ पे +4 भी आ जाता है। तो देखिए x का मान आया है जो वो आया है 2 और x का मान 4 आया है। इन पे हमें y के मान भी निकालने होंगे, जब x बराबर हमने लिखा कि जब x बराबर 2 है तो y का मान भी तो हमें जरूरत होगी क्योंकि बिंदु चाहिए, तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो दो जो आपके पास वक्र था इस वक्र में यदि आप रखेंगे तो -2x की जगह 2 रखेंगे, -3 लिखेंगे, तो देखिए हमने क्या किया, फिर यहाँ पे -2 लिखा, यहाँ पे 2 रखा, -3 मतलब यहाँ -2/(-1) करेंगे तो यहां पे 2 आंसर प्राप्त होगा, तो मतलब एक तो बिंदु 2 और 2 हो जाएगा, तथा हमने लिखा यदि x बराबर 4 रखते तो फिर y बराबर -2 होता, और नीचे करना था हमें x-3, मतलब x की जगह पे 4 - 3 करते मतलब -2/(1), मतलब -2 प्राप्त होता। तो देखिए आपके पास 2 बिंदु प्राप्त हो जाते हैं, 2 और 2 बिंदु, 4 और -2, तो 2 आपके पास बिंदु आ गए। अब 2 बिंदु आए तो 2 स्पर्श रेखाएं बनेंगी, ठीक है, तो अब इस बिंदु से स्पर्श रेखा निकालेंगे और इस बिंदु से निकालेंगे, लेकिन प्रवणता का मान क्वेश्चन में जो दिया गया है वही लेना पड़ेगा, प्रवणता 2 दी गई है तो प्रवणता तो हम 2 ही लेंगे, तो एक बार हम इस बिंदु और प्रवणता 2 से होकर जाने वाली रेखा निकालेंगे, एक बार इस बिंदु और इस प्रवणता से होकर जाने वाली रेखा निकाल। तो देखिए हमने लिखा बिंदु 2, 2 और प्रवणता 2 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण हम निकालेंगे, तो देखिए हमें फार्मूला पता होगा, जब एक बिंदु दिया जाता है और प्रवणता m का मान दिया जाता है तो y-y1 m × x-x1 वाला फार्मूला पिछली क्लास में पढ़ा होगा वो लगाएंगे, तो y-y1 है 2 और m प्रवणता है 2, x-x1 का मान भी है 2, मतलब यहाँ पे y-2 और यहाँ पे 2x-4 हो जाएगा,
और यहाँ पे देखिए सबको यदि आप एक तरफ ले आते हैं तो 2x ऋण के हो जाएंगे, 4 जब इस तरफ आएंगे तो धन के हो जाएंगे, धन के 4 माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2 बराबर 0। तो एक तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये आ जाता है। अब दूसरी स्पर्श रेखा निकालनी होगी तो आप बिंदु आपको 4 माइनस 2 और प्रवणता 2 लेनी पड़ेगी, तो दूसरी स्पर्श रेखा आएगी। तो हमने लिखा 4 माइनस 2 और प्रवणता 2 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, फिर फार्मूला y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन लेंगे। तो देखिए y माइनस वाई वन, वाई वन का मान माइनस 2 रखा जाए और m m का मान 2 है 2 रखा जाए, x माइनस एक्स वन का मान 4 रखा जाए। तो देखिए यहाँ पे तो हो गया y प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 2x, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए 2x इस तरफ लाएंगे तो 2x तो माइनस के हो जाएंगे, 8 को इस तरफ लाएंगे तो 8 तो प्लस के हो जाएंगे, मतलब 8 और 2 और पहले से 10 हो जाएंगे बराबर 0। तो दो स्पर्श रेखाएं ज्ञात हो जाती हैं, एक स्पर्श रेखा ये आ जाती है और दूसरी स्पर्श रेखा ये आ जाती है, यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगला सवाल है, एक वक्र दिया गया है x बराबर a कोस घन थीटा और y बराबर a साइन घन थीटा और थीटा का मान पाई बटे 4 पर हमें अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो पहले अभिलंब की प्रवणता बाद में निकलती है, पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली जाती है और स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बटे dx कहलाती है, इसलिए हमें क्या dy बटे dx निकालना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, तो पहली चीज तो देखिए इस x का अवकलन करेंगे यदि आप थीटा के सापेक्ष तो dx बटे d थीटा प्राप्त होगा। तो देखिए हमने a लिखा, अब देखिए कॉस घन का करेंगे तो आपको पता है पहले 3 की घात का करेंगे, तो 3 की घात का करेंगे तो 3 कॉस वर्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि x घन का करते हैं तो 3x वर्ग होता है, वैसे ही कॉस घन का करेंगे तो 3 कॉस वर्ग होगा। लेकिन अब कॉस का रिपीट करेंगे तो कॉस का जब रिपीट होगा तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, कॉस का रिपीट हो जाएगा। अब देखिए यदि आप y का कर देते तो y का जो है थीटा के सापेक्ष करते तो dy बटे d थीटा आ जाता। और देखिए यहाँ पे a तो हमने लिखा, ये तो अचर पद है, घन का करेंगे जैसे x घन का 3x वर्ग, वैसे ही साइन घन का 3 साइन वर्ग थीटा होगा, तो 3 साइन वर्ग थीटा लिखा। लेकिन अब साइन का तो आपको रिपीट करना होगा, तो साइन का जब हम रिपीट करेंगे तो साइन का तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आपके दो समीकरण बन जाएंगे, एक समीकरण j बन गया और एक समीकरण j बन गया। आप देखिए हमें dy बटे dx चाहिए, तो dy बटे dx चाहिए, मतलब समीकरण दो में हम समीकरण एक से भाग देंगे, तो समीकरण दो भागित समीकरण एक यदि हम करते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा कि dy बटे d थीटा, इसमें हम भाग करेंगे dx बटे d थीटा से। तो देखिए यहाँ पे a 3 साइन, तो यदि हम जो है भाग करेंगे इसमें इसका भाग किया तो इसमें हमें इससे भाग करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे भाग में लिखा हमने जी संख्या बटे जी संख्या लिखी तो a 3 तो कट गए, एक साइन यहाँ का एक साइन यहाँ का कट जाएगा, साइन से साइन एक साइन बचा होगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, लेकिन एक कॉस बचा होगा मतलब माइनस चिन्ह बचा होगा और ऊपर साइन बचा होगा और नीचे बचा होगा कॉस थीटा। तो देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ डी थीटा से डी थीटा काट देते हैं तो डी वाई बटे डी एक्स का मान जो है कितना प्राप्त हो गया है, माइनस का 10 थीटा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान माइनस 10 थीटा आ चुका है। अभी यदि हम देखें तो डी वाई बटे डी एक्स क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो अब स्पर्श रेखा की प्रवणता में जो है हम थीटा का मान पाई बटे 4 रखेंगे। तो हमने लिखा थीटा बराबर पाई बटे 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब डीवाई बटे डी एक्स का मान निकाल रहे हैं, वो भी पाई बटे 4 पर। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं पाई बटे 4 माइनस 10 और थीटा का मान रखिए पाई बटे 4। अब देखिए यहाँ पे तो माइनस चिन्ह 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ जाती है, माइनस 1। लेकिन हमें तो निकालना है अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए हमने फार्मूला लगाया अभिलंब की प्रवणता का, फार्मूला आप याद रखना और भी आगे सवालों में जो है आपको विकल्प में भी पूछ लेते हैं। तो माइनस वन अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब माइनस वन अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, माइनस वन है, माइनस वन काट देते हैं तो अभिलंब की प्रवणता का मान 1 आ जाएगा और यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, करणी 36.6 का सन्निकटन करने के लिए अवकल का प्रयोग करना है, अवकलन का
प्रयोग करके हमें इसका मान निकालना है। तो पहले तो आपको क्या करना होता है, इसके दो भाग करने होते हैं, जो 36.6 है। तो पहले हमें इस 36.6 के दो भाग करते हैं। दो भाग आपको ऐसे करना है कि एक भाग का वर्गमूल निकल सके, क्योंकि वर्गमूल लगा है तो वर्गमूल निकल सके। तो एक भाग हम बनाएंगे 36 और दूसरा भाग जो है प्लस 0.6। तो इस प्रकार से आपको दो भाग करना जरूरी है। एक भाग ऐसा होना चाहिए जो करनी से बाहर आ जाए, जैसे 36, तो 36 का वर्गमूल 6 हो सकता है, इसलिए 36 प्लस 0.6 में हमने तोड़ा है। अब इनमें से जो पहला भाग है उसे कहा जाता है एक्स, तो एक्स का मान कितना होगा, 36, और जो दूसरा भाग होता है वो डेल एक्स कहलाता है, 0.6 कहलाता है। तो सबसे पहले हमने दो भाग कर लिए हैं, पहला भाग एक्स कहलाता है, दूसरा भाग या दूसरे भाग का जो मान होता है, करनी छोड़ के यदि हम कहें दूसरे भाग का जो मान होता है वो डेल एक्स कहलाता है। देखिए, अब जो भी सवाल है उसका मान ज्ञात करने के लिए आपको दो चीजें निकालनी होती हैं, वाई और डेल वाई निकालने पड़ते हैं, और वाई और डेल वाई दोनों को जोड़ने पर जो है हमारा आंसर आता है। तो इसलिए पहले तो हम निकालेंगे वाई, तो इसीलिए हमने लिखा y, और y का मतलब क्या होगा, तो यदि देखें तो यदि सवाल करणी में है तो करणी x होगा y का मान, यदि हम बात करें 3 की घात करणी होती तो करणी 3 की घात x होता, मतलब जितने की घात यहाँ पे लगी है सवाल में उतने की घात x पे आपको लगानी पड़ती है। और फिर x का मान कितना है, 36, तो 36 का वर्गमूल आप निकालते हो तो 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6 आएगा। अब देखिए, हमने y तो निकाल दिया, अब हमें डेल y निकालना पड़ेगा। तो डेल y का फार्मूला जो है आप लोगों ने देखा होगा, डेल y यदि निकालना है मतलब यहाँ पे जो है y में जो है परिवर्तन की दर हम कह सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो पहले तो dy बटे dx करते हैं इंटू डेल x करते हैं। अब देखिए, यदि आगे आप सॉल्व करते हैं तो y का अवकलन करेंगे तो y का मान कितना है, करणी x है, तो करणी x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/2 करणी x हो जाएगा, और डेल x को हमने अभी जाकेता लिखा है। अब देखिए, 1/2 और करणी x, करणी x का मतलब करणी 36, और करणी 36 को आप 6 कह सकते हैं, तो इसकी जगह हमने 6 लिखे हैं, और डेल x का मान कितना है, 0.6 है, तो इंटू 0.6 लिखा है। अब देखिए, यदि आप आगे सॉल्व करते हैं तो 6 से 6 तो कट जाएंगे, तो 6 से 6 को यदि आप काट देते हैं तो 0.1/2 आएगा, और 2 से यदि आप भाग कर देते हैं तो देखिए 2 का भाग जो है 0.1 में नहीं जा रहा, तो 0 आएगा, वो हो जाएंगे 10, तो 2 × 5 = 10, मतलब 0.05 आया है। अतः फिर जो हमें निकालना था 36.6 का मान, उसका मान हमने बताया था, किसी भी सवाल का मान निकालना हो तो y प्लस डेल वाई करते हैं, तो y प्लस डेल वाई करेंगे। अब देखिए, y का मान आया है 6, y का मान हमने निकाला है 6, और डेल वाई का मान कितना निकाला है, 0.05 निकाला है। यदि आप दोनों को जोड़ देते हैं तो 6.05 यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल, सेम बिल्कुल इसी टाइप का हमने सवाल रखा है। तो हमें करणी 49.5 का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो इसके आपको दो भाग करने पड़ेंगे। करणी चल रही है तो एक भाग ऐसा होना चाहिए जो करणी से बाहर आ जाए, मतलब एक भाग हम 49 लेंगे तो दूसरा जो है 0.5 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का योगफल 49.5 होना चाहिए। इनमें से पहला भाग जो है वो x कहलाता है, तो x का मान 49 होगा, और यदि हम कहें तो डेल x का मान जो होगा 0.5 होगा। अब देखिए, इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, हमें किसी भी सवाल का मान निकालना है तो y प्लस डेल y निकालना पड़ता है, और y का मतलब होता है x के ऊपर वह पावर जो क्वेश्चन में दी गई है, करणी की पावर दी गई है, तो करणी x लगाते हैं। और डेल y का मतलब क्या होता है, डेल y यदि हमें चाहिए तो dy/dx इंटू डेल x करते हैं। तो दो चीजें निकालते हैं फिर आंसर जोड़ देते हैं। तो पहले हम y निकालेंगे, और सवाल करणी में है तो करणी x होगा, यदि करणी 3 की घात होती तो फिर यहाँ पे y का मान करणी 3 की घात x होता, मतलब यहाँ पे जो भी करणी में है उसे जो है घात के रूप में लगाना पड़ेगा, तब जो है y का मान होगा, और अंदर x लिखना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे अंदर 49 लिखेंगे,
एक्स का मान 49 रखा, 49 का वर्गमूल आप 7 निकाल देंगे। अब देखिए फिर तथा करके हम अब डेल वाई निकालते हैं, तो डेल वाई का मान हमने बताया था पिछले में कैसे निकालते हैं, डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स करते हैं। तो देखिए डी वाई बटे डी एक्स कैसे निकालेंगे, वाई का मान करणी एक्स है तो वाई का अवकलन करेंगे, करणी एक्स का अवकलन 1/2 करणी एक्स होता है, तो 1/2 करणी एक्स लिखा इंटू डेल एक्स लिखा, और आगे यदि आप सॉल्व करते हैं तो 1/2 करणी एक्स, करणी एक्स का मतलब होगा करणी 49, करणी 49 का मतलब कितना होगा यहाँ पे 7 होगा, और डेल एक्स का मतलब कितना होगा 0.5 होगा। अब देखिए और आगे आप सॉल्व करते हैं तो 0.5 लिखा और नीचे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 × 2 = 14, और 14 का यदि आप भाग दे देते हैं तो 0.036 आ जाएगा। अब देखिए डेल वाई का मान आ चुका है, वाई का मान आ चुका है, तो जो आपके पास क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, करणी 49.5 का हमें मान निकालना है, और किसी भी सवाल का मान जो होता है वो वाई प्लस डेल वाई के इक्वल होता है। तो वाई का मान कितना आया था, 7 आया था, 7 रखिए, डेल वाई का मान 0.036 आया है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 7.036 यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल दिया गया है 16वां, F3.02 का सन्निकटन मान बताइए, एक फलन दिया गया है। तो देखिए जैसा हम पिछले सवाल में कर रहे थे के y प्लस डेल y ज्ञात करके कर रहे थे, तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, y प्लस डेल y ज्ञात करेंगे। तो पहली चीज तो आपके पास x और डेल x होनी चाहिए, तो यहाँ पे यदि हम बात करें x की, तो देखिए यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं 3.02 को 3+0.2 लिख सकते हैं, तो जो पहला भाग होता है वो x कहलाता है, तो x का मान कितना होगा 3 होगा, और डेल x का मान कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। अब देखिए आपको y निकालना पड़ेगा, तो y निकालेंगे और फिर हम डेल y निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम y निकालते हैं, y निकालने के लिए जो फलन होता है वही फलन लेना पड़ता है, तो एफ एक्स फलन लिया हमने। अब देखिए एफ एक्स फलन का मतलब है यहाँ पे कि 3x² + 5x + 3, और इसमें जो है आप x का मान कितना रख देते हैं, x का मान यदि आप 3 रख देते हैं तो 3 का वर्ग और 5x का मान 3 रखते हैं प्लस 3, अब 3 का वर्ग 9 का यदि 3 से गुणा करते हैं तो 27 होगा, 5 × 3 = 15 होगा, और 3 लिखा 27 और 3 = 30 हो जाएंगे, 30 और 15 कितने हो जाते हैं 45 हो जाते हैं। तो हमने y तो ज्ञात कर लिया, अब हमें डेल y ज्ञात करना होगा, और डेल y ज्ञात करने का फार्मूला आप देख चुके हैं, dy बटे dx इंटू डेल x। अब यहाँ पे dy बटे dx तो होगा नहीं क्योंकि y तो है नहीं, y का मतलब है आपके पास एफ एक्स दिया गया है, तो इसकी जगह जो है हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स लिखना होगा, उसे ही हम dy बटे dx कहेंगे इंटू डेल x। तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला लगाते हैं डेल y का, तो अवकलन रखना होता है, यदि y होता तो y का अवकलन, और यदि जो है एफ एक्स है तो एफ एक्स ही तो y होता है, तो इसका अवकलन होगा और इंटू डेल x होगा, तो इंटू हम डेल x लिखेंगे। अब देखिए यदि हम एफ एक्स का अवकलन करते हैं तो एफ एक्स का मान जे दिया गया है, इसका अवकलन करेंगे तो 3x² का होगा 2x, मतलब 3 × 2 = 6x हो जाएगा, और फिर 5x का करेंगे तो 5x का हो जाएगा 5, और 3 का अवकलन कितना होगा 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू डेल एक्स लिखा। अब देखा जाए एक्स का मान आपके पास 3 है तो 6, और एक्स की जगह हम रख सकते हैं 3+5 लिखा हमने, और डेल एक्स का जो मान है, डेल एक्स का मान कितना है 0.2 है, तो डेल एक्स का मान लिखा। अब देखा जाए यदि तो यहाँ 6 × 3 = 18 और 5 यदि आप जोड़ देते हैं तो 18 और 5 = 23 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा 23 हो गए, 23 का गुणा हमें 0.2 से करना होगा, 23 × 2 = 46 हो जाते हैं, तो 0.46 आ जाएगा। अब देखिए जो हमसे मान पूछा गया था F3.02, तो इसका मान हमने बताया कोई भी मान यदि सन्निकटन वाली विधि से ज्ञात करना है तो y प्लस डेल y कहलाता है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि y प्लस डेल y। अब देखा जाए तो y का मान कितना आया है 45 आया है, तो 45 रखा, और डेल y का मान कितना आया 0.46 आया, 0.46 लिखा हमने। अब देखिए दोनों को जोड़ देते हैं तो 45.46 आ जाएगा, और यही हमारा अभीष्ट मान होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन के एक्स मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकटन परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। देखिए यदि आयतन भी होता है, यदि आयतन भी मानते हैं तो आयतन में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन कहलाता है डेल वी। और डेल वी का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है हम डेल वाई का मान पिछले सवालों में निकालते आए हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स करते थे, वैसे ही यहाँ पे डी वी बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स करना होगा। तो पहली चीज यहाँ पे भी पता होना चाहिए क्या होगा और डेल एक्स पता होना चाहिए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए चूंकि भुजा का मान घन की भुजा x दी गई है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, x घन होगा। तो हमने लिखा चूंकि घन की भुजा x बताई गई इसलिए घन का आयतन क्या होगा, x घन होगा। अब यदि हम बात करें डेल x, डेल x मतलब भुजा में परिवर्तन की दर, तो अब देखिए डेल एक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ पे बताया गया घन की भुजा में 2% वृद्धि होती है, तो घन की भुजा में, और घन की भुजा हमने एक्स मान के चले हैं, तो एक्स में 2% वृद्धि हो जाएगा डेल एक्स का मान। तो देखिए एक्स में 2% वृद्धि का मतलब है एक्स का, और फिर 2% वृद्धि, 2% वृद्धि का मतलब है 2/100, और फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं तो यहाँ पे 2x हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, और 100 से यदि आप डिवाइड करते हैं तो 0.02x, तो डेल एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0.02x हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है आयतन में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन मतलब डेल भी निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, भी का अवकलन करना होगा, तो डी वी बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स करना होगा। तो देखा जाए भी का अवकलन कितना होगा, भी का मान है एक्स घन, और एक्स घन का अवकलन कितना होता है, 3x² होता है, और डेल एक्स का मान कितना है हमें पता, डेल एक्स का मान है 0.02x है। अब देखिए दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 0.06 हो जाएगा, और एक्स वर्ग और एक्स का होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स घन। और देखिए यहाँ पे पीछे इकाई जरूर आपको लिखनी होगी क्योंकि क्वेश्चन में इकाई बताई गई है, मीटर में बताई गई है, तो आपको पता होगा कि जो आयतन होता है वो मीटर में घन में होगा, तो मीटर घन पीछे इकाई और आपको लिखनी पड़ेगी, और यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है जिसमें 0.03 की त्रुटि हो जाती है, तो इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करना है, आयतन की त्रुटि बतानी है, मतलब आपको डेल भी का मान बताना होगा। और डेल भी का मान कैसे बता सकते हैं, भी का अवकलन करिए और इनटू डेल एक्स लिखिए, तो आपके पास पहले तो भी होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है। तो सबसे पहले तो गोले की त्रिज्या, यदि गोले की त्रिज्या को हम आर मान के चलते हैं तो फिर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। तो देखिए हमने लिखा गोले की त्रिज्या मान के चले आर हैं, तो गोले का आयतन 4/3 πr³ होगा। अब यदि हम बात करें यहाँ पे त्रिज्या में त्रुटि हो रही है 0.03 की, मतलब यहाँ पे त्रिज्या आर मान के चले हैं, तो डेल आर का मान हो जाएगा 0.03 हो जाएगा। अब हमें निकालना है आयतन में जो परिवर्तन की त्रुटि होती है वो हमें निकालना है, मतलब डेल भी हमें निकालना है। तो डेल भी का देखिए हमने फार्मूला बताया था डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। अब यहाँ x ना होके जब आपने r के रूप में त्रिज्या ली है तो फिर हम कहेंगे डी वी अपॉन डी आर कहेंगे इंटू डेल आर करना होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा डी बटे डी आर, और फिर भी की जगह भी का मान रखिए 4/3 πr³ लिखा, और डेल आर जो है आपको केवल लिखते चलना है, लास्ट में मान रखेंगे। तो देखिए 4/3 π लिखा हमने, आर घन का यदि आप अवकलन करेंगे तो 3r² होगा, और डेल आर का मान यदि आप रख देते हैं तो 0.03 इसका मान रखा है। अब देखिए यहाँ 3 से 3 तो कट जाते हैं, तो यहाँ पे फिर 4 का आप गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 का यदि आप गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 तरी 12 हो जाएगा, तो 0.12
पाई आर वर्ग हो जाता है इसका मान, डेल वी का मान। वैसे आंसर तो यही हो गया था, लेकिन क्वेश्चन में कुछ कहा गया है जब त्रिज्या का मान 9 सेंटीमीटर हो तब हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने लिखा जब आर का मान 9 सेंटीमीटर रखा जाए तो फिर डेल वी का मान हम निकालेंगे। डेल वी बराबर क्या होगा, तो देखिए 0.12 और पाई लिखा, आर का मान कितना रखना होगा, 9 रखना होगा, 9 का वर्ग करेंगे। और देखिए आगे यदि हम सॉल्व करते हैं तो 0.12 पाई लिखा हमने, 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। अब यदि आप गुणा करते हैं तो देखिए 12 का गुणा करेंगे, 81 से 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 और एक हासिल थी 97 हो जाएगा, दो अंक बाद 9.72 और पाई हमने लिखा, ये आपके डेल वी का मान हो जाएगा। अब पीछे हमें इकाई और लिखनी होगी, तो देखिए भी आयतन तो घन में होता है और सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो सेंटीमीटर घन पीछे इकाई लिख देना, यही आपका अभीष्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है। तो देखिए जो दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है उनका योग 15 होना चाहिए, तो फिर हम एक संख्या x ले सकते हैं, दूसरी संख्या 15-x ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का योगफल देखें तो x x कट गए, 15 हो जाएगा। तो देखिए हम मान के चले, माना दो धन संख्याएं x और 15-x हैं, क्योंकि इनका योगफल 15 हो जाता है, इसलिए ये संख्या आपको माननी पड़ेगी। अब देखिए कहा गया है जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो, तो हमें क्या करना होगा, वर्गों के योग वाला एक फलन मानना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो वर्गों का योग हमें निकालना है उसका फलन मान के चले एफ एक्स। तो देखिए एफ एक्स का मतलब है यहाँ पे कि जो दो संख्याएं ली हैं उनके वर्गों का योग करना है, तो एक संख्या एक्स ली है तो एक्स का वर्ग, दूसरी संख्या हमने 15-x ली है तो फिर 15-x का वर्ग करेंगे। अब देखिए यदि आप कोष्टक खोल देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वर्ग यदि आप देखें तो x वर्ग ही रहेगा, यहाँ पे देखिए 15-x का होल स्क्वायर करते हैं तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225 और बीच में 2a भी होता है तो 15 दूनी 30x हो जाएगा, और फिर x का वर्ग करेंगे तो x वर्ग होगा। अब टोटल कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 2x वर्ग - 30x + 225, तो देखिए आपके फलन का मान हो गया एफ एक्स, आपका फलन ज्ञात हो चुका है। अब देखिए हमें इस एफ एक्स फलन का न्यूनतम मान पता करना है कि न्यूनतम कब होता है, किस बिंदु पे होता है, वो बिंदु आपको पता करने हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूनतम कैसे पता करते हैं, जो फलन होता है उस फलन का यदि हम एक बार अवकलन करते हैं और दो बार अवकलन करते हैं फिर दूसरी बार अवकलन करते हैं, तो दूसरी बार अवकलन जो होता है एफ डैश एक्स होता है, तो देखिए एक बार अवकलन एफ डैश एक्स, दो बार अवकलन एफ डबल डैश एक्स होता है। फिर आपको क्या करना होता है, आप लिखते हैं कि यदि एफ डैश एक्स बराबर 0 यदि आप लिखते हैं तो यहां से आपको एक्स का मान मिलता है, और जो एक्स का मान मिलता है इसे हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं, जो भी विकल्प में पूछा जाता है। तो यहां से एक्स का मान जो निकल के आता है, इस एक्स के मान को, जो एक्स का मान जैसे ए निकल के आया, इस मान को हम सेकंड वाले अवकलन में रखते हैं, तो इस पर हम सेकंड बार अवकलन निकालते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे उत्तर जो है धनात्मक होता है कि ऋणात्मक। यदि धनात्मक उत्तर आया तो फिर वो निम्नतम बिंदु कहलाता है, और ऋणात्मक आता है तो वो उच्चतम बिंदु कहलाता है। तो इसलिए हम भी बिल्कुल सेम ऐसा ही करेंगे, पहले तो इसका एक बार अवकलन किया तो एफ डैश एक्स, तो देखिए एक्स वर्ग का अवकलन 2x, तो 2 × 4x हो जाएगा, 30x का अवकलन करेंगे तो केवल 30 होगा, क्योंकि एक्स का 1 225 का 0 हो जाएगा। और पुनः यदि आप अवकलन करते हैं तो एफ डबल डैश एक्स यदि हम निकालेंगे तो यहाँ 4x का अवकलन करेंगे तो 4 होगा, 30 का अवकलन तो 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर हम क्या करते हैं, यदि एफ डैश एक्स का मान 0 के इक्वल रखते हैं तो यहां से हमें एक्स का मान मिलता है, तो देखिए एफ डैश एक्स मतलब यदि हम देखें तो 4x - 30 बराबर, यदि हम 0 रखें तो 4x बराबर हमें 30 मिलेगा, और जब 4x बराबर 30 मिलेगा तो हम कह सकते हैं x बराबर
बराबर 30/4 मिलेगा, और 30/4 यदि आप काट दें तो 15/2 मिलेगा। तो फिर एक्स का मान यहाँ पे 15/2 निकल के आ जाता है। अब जो बिंदु निकल के आया है ये बिंदु कहलाता है क्रांतिक बिंदु। ये विकल्प में भी पूछा जाता है क्रांतिक बिंदु किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0 लेने पर जो बिंदु हम ज्ञात करते हैं उन बिंदुओं को हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं। फिर जो क्रांतिक बिंदु आता है उस क्रांतिक बिंदु का मान हम सेकेंड बार अवकलन में रखते हैं, तो हमने लिखा एक्स बराबर जो 15/2 आया है उस 15/2 पर सेकेंड बार अवकलन देखते हैं। जो सेकेंड बार अवकलन है एफ डैश एक्स बराबर 4 है, तो एक्स की जगह यदि आप 15/2 रखते हैं तब भी आंसर 4 ही रहेगा। 4 रहा मतलब धनात्मक, और धनात्मक होता है मतलब जो कौन सा बिंदु होगा जो 15/2 होगा वो निम्नतम बिंदु होगा। तो देखिए हमने लिखा आता है एक्स का मान जो 15/2 आया है वो निम्नतम बिंदु है, तो हमें जो है निम्नतम ही वर्गों का योग ज्ञात करना था। जो सवाल था वर्गों का योग न्यूनतम होना चाहिए, निम्नतम या न्यूनतम एक ही बात है, तो मतलब जो एक्स का मान आ रहा 15/2 उस पर बिल्कुल निम्नतम हो रहा है। तो अब हमारी संख्या एक एक्स थी और एक संख्या 15-x थी, तो एक्स की जगह पे हम 15/2 रखेंगे। तो देखिए जो संख्याएं x और 15-x थी यदि x की जगह 15/2 रखें तो 15/2 हो जाएंगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15-15/2, और 15 में से 15/2 घटाएंगे तो 15 × 30 में से 15 घटाइए तो 15/2 ही आएगा। मतलब हमारी दो संख्याएं जो होंगी 15/2 और 15/2 होंगी। तो हमने लिखा अर्थात वे संख्याएं 15/2 होंगी, तभी इनके वर्गों का योग न्यूनतम होगा। देखते हैं अगला 20वां क्वेश्चन है। एक लाभ फलन Px दिया गया है से प्रदत्त है, कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ को ज्ञात करना है, मतलब उच्चतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए निम्नतम और उच्चतम मान कैसे निकाले जाते हैं ध्यान से समझना। यदि कोई फलन px दिया गया, वैसे fx होता है, px के रूप में सवाल है, तो आप पहले तो एक बार अवकलन करते हैं, फिर दूसरी बार अवकलन करते हैं, और फिर एक बिंदु ज्ञात करने के लिए जो पहली बार अवकलन होता है उसके बराबर 0 ले लेते हैं। तो यहां से x का मान आ जाता है, x के दो मान भी आ सकते हैं, एक मान भी आ सकता है, तो मतलब एक क्रांतिक बिंदु निकल के आ जाता है। और इस क्रांतिक बिंदु को आप चेक करते हैं ये निम्नतम मान देगा या उच्चतम मान देगा, तो x बराबर जो भी हमारा मान आया होगा इसको जो है हम इस पर सेकेंड बार अवकलन ज्ञात करेंगे। तो क्या होता है यदि मान के चलिए धनात्मक आता है तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे निम्नतम है, और ऋणात्मक आता है तो हम कह देते हैं ये बिंदु उच्चतम है। तो देखिए जब यदि मान के चलिए ऋणात्मक आता है तो इसे कह देते हैं उच्चतम है, और धनात्मक आता है तो निम्नतम कहते हैं, थोड़ी सा उल्टा कॉन्सेप्ट होता है तो ध्यान रखना। फिर x बराबर जो भी हमारा मान आया होगा, जैसे a आया होगा, उसका मान यदि हम जो है फलन में रखते हैं जो px होता है, उस px में यदि हम रखते हैं और जो आंसर निकल के आता है, जैसे इस बिंदु पर उच्चतम आया था तो यहाँ पे आएगा आपका उच्चतम मान आएगा। और यदि मान के चलिए x बराबर a पर प्लस आया होता, मतलब निम्नतम आया होता, तो यहाँ पे आपको निम्नतम मान प्राप्त होता। तो देखिए ये सब हम कैसे करेंगे, तो हमने सबसे पहले लिखा कि यहाँ पे एक हमें फलन दिया गया है px जो 41-72x-18x वर्ग दिया गया है। यदि हम इसका एक बार अवकलन करते हैं तो 41 का तो 0 होगा, -72x का तो -72 हो जाएगा क्योंकि x का 1 होगा माइनस, और फिर 18x वर्ग का 2x होगा तो 18 × 36x हो जाएगा। पुनः यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो 72 का अवकलन तो 0 होगा, -36x का अवकलन करेंगे तो -36 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो पहली बार अवकलन किया था उसके बराबर 0 लेते हैं, तो -72 − 36x बराबर यदि आप 0 लेते हैं तो -36x बराबर प्लस के 72 हो जाएंगे, और 36 × 72 मतलब x का मान -2 निकल के आ जाएगा, तो x का मान -2 आएगा। अब हम चेक करेंगे कि इस पे उच्चतम होता है या निम्नतम होता है, तो x बराबर -2 पर जो है हम सेकंड बार अवकलन चेक करते हैं, तो सेकंड वाले अवकलन में x की जगह -2 रखेंगे तो p डबल डैश
माइनस टू रखा जाए तो देखिए एक्स की जगह माइनस टू रखेंगे, यहाँ एक्स है ही नहीं तो माइनस छत्तीस आएगा, माइनस छत्तीस मतलब ऋणात्मक आया है, ऋणात्मक आया है तो ऋणात्मक कंडीशन में उसे उच्चतम कहा जाता है, मतलब एक्स बराबर माइनस टू उच्चतम बिंदु होगा। तो हमने कहा x का मान माइनस टू जो आया है वो कौन सा बिंदु होगा, उच्चतम बिंदु होगा। अब देखिए हमें ज्ञात करना है उच्चतम लाभ ज्ञात करना है, तो उच्चतम लाभ कैसे मिलता है, जो उच्चतम बिंदु आता है उसे जाके फलन में रख दें आप। तो देखिए p x की जगह पे माइनस टू यदि आप रख देते हैं तो देखिए 41 हमने लिखा और फिर माइनस 72 एक्स की जगह पे माइनस टू रखेंगे, फिर माइनस 18 लिखा माइनस टू का वर्ग करेंगे तो एक्स की जगह पे जो फलन था हमारा इसमें एक्स की जगह माइनस टू रख देते हैं और देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो 41 होगा माइनस माइनस यहाँ प्लस, 72 का 2 से गुणा करेंगे 144 होगा और यहाँ पे देखिए माइनस 18 और माइनस 2 का वर्ग तो यहाँ पे 4 हो जाएगा यदि आप इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 41 और 144 को जोड़ते हैं तो 185 और 18 चौके 72, 72 को यदि आप घटा देते हैं तो फिर 113 बचा होगा, यही आपका उच्चतम लाभ हो जाएगा और यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 6 जो अवकलज के अनुप्रयोग थे इससे 3-3 अंक के 2 क्वेश्चन आने थे, तो दोनों क्वेश्चन जो है आपसे यदि ये 20 क्वेश्चन आप सीख लेते हैं तो आराम से 3-3 अंक के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब आपसे बन जाएंगे। बस थोड़ी सा आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो है इन क्वेश्चनों को सीखने की अपेक्षा इन क्वेश्चनों की विधि अच्छे से सीखें। जैसे इसी सवाल में देखें, एक कोई आपको फलन दिया गया है और उसका उच्चतम मान निकालना है, ऐसा सीखें तो जो भी फलन होगा एक बार अवकलन करेंगे, दूसरी बार अवकलन करेंगे और पहली बार अवकलन को 0 के इक्वल रखेंगे तो x का मान आ जाएगा और x का मान चेक करेंगे कि वो जो क्रांतिक बिंदु आया है ये उच्चतम बिंदु है कि निम्नतम बिंदु है, तो x का मान सेकंड वाले अवकलन में जाके रखा ऋणात्मक आता है तो उच्चतम, धनात्मक आता है तो निम्नतम बिंदु कहलाता है और फिर जो उच्चतम बिंदु आया है उच्चतम बिंदु यदि फलन में जाके रखते हो तो उच्चतम मान आता है और निम्नतम बिंदु आया होता तो फलन में रखते तो निम्नतम मान आ जाता। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा तो अंक बदल के जरूर आ सकते हैं लेकिन विधि तो बिल्कुल यही आएगी। तो हम आपसे कहना चाहते हैं जो 20 सवाल समझाए इन 20 की विधि आप कंफर्म कर लें तो कोई भी सवाल आ जाए आपसे बिल्कुल बन जाएगा, इन्हीं 20 सवाल की विधियों में से एक ना एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। धन्यवाद।